हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों, आज 11th का पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इससे ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों? और ये बायो का बेसिक पॉइंट है। अगर इस चैप्टर को अपन नहीं समझेंगे ना, तो फिर आप बायो को नहीं समझ सकते बच्चों, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। देखो, इससे ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? इससे एक क्वेश्चन हर साल नीट एम्स जिपमर के एग्जाम में आते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। क्लियर है? देखो, जब मैं किसी बच्चों से पूछता हूं ना, जब बच्चा कोई 9th क्लास 10th क्लास करके 11th में आता है, उसे मैं पूछता हूं कि लिविंग के कैरेक्टर क्या है, तो देखो पांच कैरेक्टर क्या बताता है। बताता है कि सर हम खाते हैं, हम घूमते हैं, हम डांस करते हैं, ये कैरेक्टर बताता है लिविंग का। लेकिन जब आप नीट की तैयारी करोगे, ये कैरेक्टर आपका सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं रहेगा। इसीलिए लिविंग को डिसाइड करने के लिए पांच कैरेक्टर एनसीईआरटी ने बताया है बच्चों। वो कौन कौन सा कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर के बेस पे अपन बता सकते हैं कोई पर्सन लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हम लिविंग हैं ये हमें पता है, हम सजीव हैं हमें पता है, लेकिन एक साइंटिफिक डिफिनेशन के थ्रू हमें बताना जरूरी रहता है अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो। पांच कैरेक्टर है जिसके बेस पे अपन बताएंगे कि कौन सा सिस्टम लिविंग है, कौन सा सिस्टम नॉन लिविंग है बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है ग्रोथ। सबसे पहला कैरेक्टर क्या आएगा? ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। चौथा कैरेक्टर है कॉन्सियसनेस। और पांचवा कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये पांच कैरेक्टर के बेस पे ही अपन डिसाइड कर सकते हैं कोई पर्सन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कोई सिस्टम लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो चलिए एक एक करके अपन स्टडी करते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ग्रोथ क्या होता है। सबसे पहले ग्रोथ समझते हैं। चलो ग्रोथ मैं आपको समझाऊं, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। देखो, ग्रोथ मतलब होता है, लोग समझते हैं कि इंक्रीज हो जाना, इनहेंस हो जाना, ये ग्रोथ का डिफिनेशन नहीं है। ग्रोथ का डिफिनेशन होता है बच्चों चेंज। चेंज किसी में हो, शेप में हो, साइज में हो, वॉल्यूम में हो, कैसा चेंज होना चाहिए, परमानेंट चेंज, दिस इज नोन एज ग्रोथ। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चेंज ही एक केवल ग्रोथ का डिफिनेशन है, ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। वो चेंज जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसी परमानेंट चेंज को अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ। क्लियर है? तो ग्रोथ में पहला पॉइंट मैं क्या बताऊं कि परमानेंट चेंज को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रोथ। इसको एक और पॉइंट से डिसाइड कर सकते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो चीज एक कदम चल गया वो कभी पीछे नहीं हो सकता, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल। जैसे कि एग्जांपल में मैं बताऊं, अगर आप 20 साल के हो गए तो आप 19 साल के नहीं हो सकते, दिस इज नोन एज परमानेंट चेंज। लेकिन अगर आप बल्की हो गए, थोड़ा फैटी हो गए, आप 80 kg के हो गए, तो आप 60 kg के हो सकते हो, वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज, दिस इज नोन एज ग्रोथ। क्लियर है? देखो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ग्रोथ अनइक्वल मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मेटाबॉलिज्म इक्वल होगा तो समय ग्रोथ नहीं होगा बच्चों। तो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ग्रोथ डिपेंड होता है अनइक्वल मेटाबॉलिज्म के ऊपर। किस पे डिपेंड होता है, तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा, अनइक्वल मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्रोथ अपन लोग का क्या होता है बच्चों, डिपेंड होता है। क्लियर है? पहला पॉइंट अनइक्वल मेटाबॉलिज्म में मैं पहला, दूसरा, तीन पॉइंट में बताऊंगा। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो इस ग्रोथ को अपन बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा एनाबॉलिज्म से, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ।
अगर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों इक्वल हो जाएगा तो वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होता है, उस ग्रोथ को अपन बोलेंगे जीरो ग्रोथ। ठीक है बच्चों, तो ग्रोथ यहां तक समझ में आया सबको, ग्रोथ का मतलब परमानेंट चेंज, ग्रोथ का मतलब इरिवर्सिबल। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो अनइक्वल मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एनाबॉलिज्म कम है तो उस ग्रोथ को अपन बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ, अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म कम है उस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्या, पॉजिटिव ग्रोथ। अगर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों इक्वल हो गया तो उस कंडीशन को बच्चों अपन क्या बोलेंगे, जीरो ग्रोथ। ठीक है, देखो नेगेटिव ग्रोथ ग्रोथ को एक और पॉइंट बोलते हैं डी ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ का एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं बच्चों डी ग्रोथ। क्लियर है, यहां तक आप नोट डाउन करिए, फिर अपन ग्रोथ के टाइप को देखते हैं। चलो बच्चों ग्रोथ के टाइप देखते हैं, ग्रोथ कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, बच्चों जो ग्रोथ होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होता है इंटरनल ग्रोथ। कौन कौन से होंगे, पहला होगा बच्चों एक्सटर्नल और दूसरा क्या होगा इंटरनल। दो प्रकार के ग्रोथ होते हैं, एक होगा एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होगा इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, देखो एक्सटर्नल को एनसीईआरटी में एक्सट्रिंसिक दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स इंट्रिंसिक दे रखा है, और इंटरनल को क्या दे रखा है इंट्रिंसिक दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक दे रखा है, इंटरनल को क्या दे रखा है इंट्रिंसिक दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब दोनों को समझते हैं क्या होता है। देखो बाहरी और भीतरी, अंदर और बाहर के हिसाब से इसे डिफाइन करते हैं बच्चों। जैसे कि कोई सेल है, सेल के ऊपर अगर किसी चीज का एक्युमुलेशन हो गया, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। ये पूरी बॉडी के ऊपर मैंने ये शर्ट पहन रखा है, इसके ऊपर मैं कोट पहन लू तो कहां पे ग्रोथ हो रहा है, ये बाहर के साइड ग्रोथ हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो वैसे ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, वैसे ग्रोथ को अपन बोलते हैं बच्चों इंटरनल ग्रोथ। यहां तक क्लियर है ना। देखो जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है बच्चों, जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है वो लिविंग में भी होता है, किसमें होता है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, जो इंटरनल ग्रोथ होता है वो केवल केवल किसमें होता है, लिविंग में होता है, वो नॉन लिविंग में नहीं होता। जो इंटरनल ग्रोथ होता है वो किसमें होता है, केवल वो केवल केवल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है ना। इसीलिए इसीलिए ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग का, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अपन इंटरनल ग्रोथ को बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ओवरऑल ग्रोथ को अपन बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ग्रोथ से अपन किसी चीज को नहीं डिसाइड कर सकते कि पर्सन या कोई सिस्टम लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसलिए नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि बच्चों जो ग्रोथ होता है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। यहां तक क्लियर, आई होप दिस पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, यहां तक तो सबको क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक ट्विस्ट देती है, एनसीईआरटी एक बहुत खतरनाक पॉइंट लिखती है जिसे बच्चे देखे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पॉइंट को भी अपन समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस पॉइंट को अपन समझते हैं। अब देखो बच्चों मैं क्या पॉइंट बताने जा रहा था। ठीक है बच्चों, देखो जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म,
हायर ऑर्गेनिज्म और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है बच्चों। लेकिन यूनिसेलुलर में ये क्या हो जाएंगे? बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक सबको क्लियर होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस बच्चों को याद, इस पॉइंट को आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। मतलब कि हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, ठीक है बच्चों, और इसमें कौन सा इवेंट होगा? इसमें इंक्लूसिव इवेंट होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? चलिए आज अपन केवल ग्रोथ ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में इस पांचों कैरेक्टर को अपन खत्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो यहां तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा स्प्रेड करिए ताकि आपके मनोबल से ही मेरा मनोबल और ज्यादा ऊंचा जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ के लिए इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।